गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का जो बड़ा टॉपिक है वह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आपका यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका बड़ा जो एक पार्ट है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आज बेटा हम उसके बारे में बात करेंगे ये बड़ा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब काफी लेंथी चैप्टर है ठीक है ये और ऑप्टिक्स ये थोड़े दो यूनिट जो है बहुत लेंथी माने जाते हैं है, है ना ऐसा नहीं कि बोरिंग है चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से किया तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है वो आराम से सॉल्व हो जाता है क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है ठीक है तो यहां पर क्या होता है इस चैप्टर में यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक चीज के बारे में पढ़ेंगे अगर आपको याद हो तो हमने बेटा ऑलरेडी प्लस वन में मास के बारे में पढ़ा था यहाँ पर बेटा हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जैसे बेटा हमने वहां पर कानामेटिक्स डायनेमिक्स के बारे में नॉलेज ली थी मतलब आ, कॉज ऑफ मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन यहाँ पर हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन जो है कॉज ऑफ मोशन के ऊपर ही आएंगे मतलब जो फोर्स के बारे में यानी यहाँ पर जो बॉडी है यहाँ पर हमारे पास चार्ज है उसको पहले हम कैनाटमेट्स काइनामेटिक्स के हिसाब से समझेंगे ठीक है क्योंकि ओवरऑल जो स्टडी है प्लस टू में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आते हैं जो चैप्टर आते हैं वो बड़े चार्ज के साथ रिलेटेड है ठीक है तो हम लोग बड़ा धीरे धीरे चीजों को समझेंगे और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि चार्ज स्केलर और वैक्टर क्वांटिटीज को कैसे हम समझ सकते हैं उसके बिहाव पे कोई न्यूमेरिकला आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मान लीजिए आपने प्लस टू प्लस वन में थोड़ा सा आप वीक रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं आएगी आपको यहां पर मैं आपको सारी चीजों को कोशिश करूंगा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं ठीक है तो थोड़ा हम बात करते हैं हमारे सबसे बड़े टॉपिक आता है चार्ज ठीक है और चार्जेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज आते कहाँ से हैं को तो डिफाइन हम करेंगे करंट तो इस पर हम समझते हैं चार्ज आते कहाँ से हैं ठीक है मैं पहले हमें चार्ज के बारे में समझते हैं फिर उसके बाद हम चीजों को डिवाइड करते जाएंगे समझिए सपोज करिए बेटा आपके पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है ओके okay? मतलब ये दोनों बॉडी बेटा क्या है न्यूट्रल है न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ठीक है अब बाय चांस कैसे करके कैसे भी करके मान लीजिए मैंने क्या किया ए से चार्ज को निकाला कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और बेटा बी में मैंने क्या कर दिया उसको ट्रांसफर कर दिया यहां से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और मैंने ट्रांसफर कर दिया अब आपको पता है एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं मतलब ये जो बी बॉडी है बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेस में हो गए ठीक है ठीके? और दूसरी तरफ बेटा जहां से वो निकले हैं उसके पास क्या आ गई है डेफिशिएंसी यानी कमी आ गई है ठीक है तो जहां पर बेटा आपके पास एक्सेस हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का उसे बोलते हैं ये बॉडी क्या होगी नेगेटिवली चार्ज होगी बॉडी जो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी मानी जाएगी और जहां पर हो जाए उसे क्या बोलेंगे कि बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज मानी जाएगी समझे मेरी बात तो अब हमें पता लग गया है कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव होगा जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव होगा समझे मेरी बात तो पहली बात तो ध्यान रखना दुनिया में हर बॉडी जो है हर एटम बेटा क्या है न्यूट्रल है ठीक है अब क्या होता है कि कोई बॉडी जब चार्ज हो जाती है तो ध्यान रखना वो बेटा हर बार कोशिश करेगी मैं न्यूट्रल ही रहूं जिसके कारण बेटा वो अपनी अपनी जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए खुद को न्यूट न्यूट्रलाइज नू, करने के लिए वो क्या करता है किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है ठीक है ताकि उसके थ्रू चार्जेस को मान लीजिएगा उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज है तो एक्स्ट्रा चार्ज को दे सके ठीक है अगर उसके पास कम चार्ज है तो उससे वो चार्ज ले सके तो इसी चक्कर में वो क्या करता है अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करने के चक्कर में वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है अब जिस एरिया में चार्ज के चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं समझे मेरी बात समझे कि वो एरिया मान लो जी आपके पास कोई चार्ज बॉडी है मान लो ये बॉडी चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है इसके आसपास का एरिया इसके आसपास का एरिया जिसमें अगर कोई दूसरे चार्ज आए तो ये क्या करे अट्रैक्ट करे या रिपेल करे तो ऐसा जो एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसा समझिए किसी एक एरिया में आपका कोई, कोई पॉलिटिशियन है ठीक है वो एरिया उसका है ठीक है अगर उस एरिया में कोई दूसरा पॉलिटिशियन आएगा तो वो उसको क्या करेगा रिपेल करेगा अगर उसका फ्रेंड होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा है ना तो एरिया वाली बात समझ आई सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात समझ आई आप रिलेट इसको हाँ बेटा बताइए यस ये? वेरी गुड तो अभी सबको समझ आ गया तो अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और बहुत सारी नॉलेज लेनी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं वट इज चार्ज डिफाइन पढ़ते हैं चार्ज की डिफाइन क्या होती है देखते हैं चार्ज ऑफ ए मटीरियल बॉडी और पार्टिकल इज द property due to which it produce and experience electrical and magnetic effect Toyota. थिंक सबको समझ आ गया होगा मैंने भी जो समझाया है कि कोई भी बेटा चार्ज पार्टिकल का बेटा कोई भी आपके पास चार्ज बॉडी है या कोई पार्टिकल है ये उसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड को समझ आया सभी को ये वो डिफाइन किसकी आ गई आपके पास चार्ज की डिफाइन आ गई समझ आ गया सभी को आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम बात करते हैं हाँ बेटा ये हाँ ये ध्यान रखिएगा है। है? तो, की की है। है? तो जैसे मेरा एक और मैं डिफाइन आपको बता देता हूं चार्ज कितने कि, कि, बोलूंगा इसको सुनिएगा चार्ज इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोसैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ठीक है चार्जेस की कोई पर्टिकल डिफाइन नहीं है तो आप कोई भी एक डिफाइन याद कर सकते हो ठीक है आपको जिस बुक से जो मिलता है आप सही याद कर सकते हो समझना इंपॉर्टेंट है, तो तो है। चार्ज है क्या तो चार्ज से ये पता लगा है है कोई बॉडी चार्ज तब होती है, जब उसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाते हैं मतलब जिसमें मेजर रोल निभा रहा है वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्यों नहीं क्योंकि बड़ा प्रोटॉन्स जो है वो अंदर रहते हैं और हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फंडामेंटल चार्जेस भी बोलते हैं क्योंकि ये किसी ड्राइव्ड चीज मतलब ये ड्राइव्ड चार्जेस नहीं है मतलब ये कोई क्वांटिटी नहीं है ये

ठीक है तो अब देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल देख समझाता हूं जैसे मान लीजिए अगर अभी आपको स्केल है आपने क्या स्केल को अपने बालों में किया। बालों में में रब रब किया किया तो जैसे ही बेटा आप इसको पानी के कांटेक्ट में लेके जाओगे तो पानी के बेटा ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा क्वेश्चन आता है कैसे अट्रैक्ट करेगा बेटा मेरा आंसर है कि जो प्लास्टिक का जो आपके पास ये सामान है ये प्लास्टिक का जो समान है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अरब करने के कैसे आता है उसके बारे में बात करते हैं और जो हमारे पास अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो एच टू होता है है ना ऐसे करके ऐसे ये बेटा हमारे पास है ये देखिए तो बेटा एच बेटा जो होता है मतलब ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन है दोनों ठीक है इनके बेटा क्या होता है पार्शल पॉजिटिव नेक, पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है ये क्या करते हैं जब भी बेटा इनके पास किसी स्केल को हम लेके जाते हैं तो स्केल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे इसको क्या करेगा बेटा अट्रैक्ट करेगा देखें कैसे अट्रैक्ट करता देखिए समझ आया सभी को ठीक है बेटा अभी हम देखते हैं किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा अभी तो सिर्फ हमने कंसीडर किया था कि मान लीजिए स्केल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जैसे जैसे बेटा हम पढ़ते हैं वैसे बेटा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ठीक है आगे बेटा हम इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं ठीक है समझिएगा बेटा देखिए बड़ा जैसे मान लीजिए हमारे पास बड़ा बुलन का फैब्रिक है बुलन के बुलन के फैब्रिक में क्या हो रहा है देखिएगा हम बड़ा क्या करते हैं एक बलून को लिया हमने बेटा क्या किया इसको उसके ऊपर रब किया ठीक है जैसे बेटा हमने इसको रब किया तो अब बेटा जो हमारा बलून है वो चार्ज हो गया है चार्ज होने से बेटा क्या करेंगे जैसे बेटा हम इसको कागज के पीसीस के पास लेके जाएंगे तो ये बेटा क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा राहुल जी स्केल पॉजिटिव चार्ज हुआ नेगेटिव चार्ज हुआ उसके बारे में हम आगे बात करते हैं अभी सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया मान लेते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ठीक है उसकी डिटेल स्टडी हमें करनी है देखिए ये क्या आप जैसे बेटा हमने बेलून को कागजों के पास लेके गए टुकड़ों के पास लेके गए तो हमने देखा उसने उसको क्या कर दिया अट्रैक्ट कर लिया फिर से देखते हैं एक बार देखिए हमने बुलंद फेब्रिक लिया उसके ऊपर हमने बलून को रब किया रब करने से क्या होगा हमारा बलून हो गया चार्ज तो बड़ा वो क्या करेगा छोटे छोटे जो पीसीस हैं उनको क्या करेगा ये अट्रैक्ट कर लेगा ये भी बेटा एक एग्जाम्पल है चार्ज ठीक है कि हमारे पास बॉडी चार्ज हो गई है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हैं बस में बैठ के बेटा थोड़ा सा अपनी सीट के ऊपर आगे पीछे हो रहे हैं तो जैसे ही बेटा बेटा आप किसी बस की रॉड को हाथ लगाते हैं तो बेटा आपको करंट फील होता है झटका फील होता है दूसरी एग्जाम्पल आप बेटा देखिए गर्मियों में सिंथेटिक के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो अगर बेटा आप उसके उतारने समय आप देखिए उसमें चिंगारियां निकलती हैं ड्यूरिंग स्पेशली ड्राई डेज में और एग्जाम्पल्स हैं बिजली का कड़कना बिजली का गिरना ये सब बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जाम्पल में आता है कार की जो होती है कई बार देखिए अपने कार का डोर ओपन करते तो हैं तभी बड़ा कुछ झटका लगता है वो बड़ा एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्जेस चार्ज होने का एक एग्जाम्पल है समझे मेरी बात अब और हम आगे बढ़ते हैं मैंने क्या बताया जो चार्जेस हैं मैंने क्या बताया बेटा जो चार्जेस हैं बेटा उनको हम कैनामेटिक्स अकॉर्डिंग देखते हैं काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेशन देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं चार्जेस की देखिए हम बात कर रहे हैं बड़ा चार्जिस की चार्जेस बेटा क्या हो सकते हैं रेस्ट में भी हो सकते हैं चार्जेस बेटा किस में हो सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में हो सकते हैं चार्जेस बेटा किस में हो सकते हैं एक्सेलरेशन में हो सकते हैं ठीक है क्या होता है चार्जेस अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं रेस्ट में हो सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में हो सकते हैं और एक्सेशन में हो सकते हैं मान लीजिए अगर आपके पास चार्ज रेस्ट में है उसके पास बेटा एक प्रॉपर्टी आएगी दरअसल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वही चार्ज बेटा आपका यूनिफॉर्म मोशन में है उसके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा उसके पास ठीक है अगर बड़ा वही चार्ज आपका एक्सेलरेशन में हो तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है यह, साथ में रेडिएशन भी आ जाएंगी समझ आई मेरी बात ठीक है अभी बेटा बेटा मेरी बात सभी को क्लियर है प्लीज बताइए आगे सुनिए बेटा हाँ बस समझिए आगे थे बस समझिए बेटा कि अब हम क्या करते हैं हमें पढ़ना है चार्ज इन रेस्ट अगर चार्ज हमारा जो पहला पार्ट चलेगा उसमें चार्जेस की बेटा किसमें होंगे रेस्ट में होंगे अगर बेटा चार्जेस रेस्ट में हैं, उसकी बेटा स्टडी हम किसमें करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं मतलब जो हमारे पास जो पार्ट चलेगा इलेक्ट्रो स्टैटिक्स एक्ट्रो तो बड़ा जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है चार्ज स्टैटिक का बड़ा मतलब होता है एट रेस्ट तो हमें क्या पढ़ना है अगर मैं डिफाइन लिखता हूं तो डिफाइन ऐसे बनेगी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्जेस इस कॉल्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक्स मतलब जो हमारा आज का यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझे मेरी बात बता अब समझिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन कौन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं मतलब जैसे उसने कहा ना द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ बड़ा डील करे अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे एग्जांपल बताइए मुझे बता सकता है कोई मैं बताता हूं जैसे फोर्स इसके साथ इसमें फील्ड भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है इसमें पोटेंशियल भी आ जाता है ठीक है तो ये बेटा सारे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स चार्ज के कारण क्या क्या इफेक्ट आते हैं तो ये तीन ही इफेक्ट आते हैं चार्जेस के कारण हाँ उसके आगे हम ड्राइव करेंगे वो बात अलग है ठीक है तो हमें बड़ा चार्जेस के बारे में डिफाइन पता लग गई हमें बड़ा इलेक्ट्रोश हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं चार्ज हमारे रेस्ट में है तो ये चैप्टर हमारा सारा रेस्ट के ऊपर ही पढ़ा जाएगा यहाँ पर जो अगर ट्रा, चार्जेस ट्रांसफर होंगे उनकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी तो फिजिक्स में स्लो स्लो वर्ड का मतलब होता है नेट चार्ज जीरो इसका मतलब है वो ऑलमोस्ट रेस्ट में ही माना जाएगा समझे मेरी बात आज जो हमें ऑब्जेक्टिव है जो हमें पढ़ने वाले हैं वो है चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ चार्जेस को ट्रांसफर करने के कुछ मोड्स हैं कुछ तरीके हैं ठीक है फिर तीसरा क्या था? आता है टाइप्स ऑफ मटेरियल आता है कितने तरह के मटेरियल होते हैं जो एज ए कंडक्शन हमें यूज करते हैं समझे मेरी बात थोड़ा सा बटन और भी बटन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं बढ़ा के पढ़ते हैं ठीक है ओके चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज के बड़ा हमने पढ़ लिया है हमने बड़ा ये भी पढ़ा है कि चार्जेस हमेशा क्या रहते हैं न्यूट्रल रहते हैं हाँ बेटा इट इज जो वगैरह है ना बेटा वो है ड्राइव्ड ठीक है तो मेन जो तीन चीजें हैं वो है फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल बाकी इसके अलावा डायपोल आएगा फ्लक्स आएगा है ना तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा बेटा ये सभी क्या है डराइव्ड है तो ये बेटा उसका पार्ट्स होंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं समझिए हम बात कर रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एट ऑफ एन एटम हमें पता है कोई भी एटम होता है बेटा वो एक्चुअल में क्या होता है न्यूट्रल होता है यानी ठीक है ठीक है थोड़ा हम क्या मान के चलेंगे जिसके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका मतलब बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा जीरो आएगा अभी बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहां पर जो हमारे पास ये वैल्यू दिखाई दे रही है हमें ये ये वाली प्लस माइनस वन पॉइंट सिक्स माइनस नाइनटीन कूलम तो ये हमें कहां से पता लगा कि सर इतनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की तो इसका सीधा बता देता हूं आपको ये हमें मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से तो कहां से पता लगा था मिलकन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बता हमें इसके बारे में नॉलेज ठीक है अब देखिए इसका बड़ा जो चार्ज होता है चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम कूलम यूनिट क्या होता है क्योंकि इसकी स्टडी किसने की थी कुलम की थी राइट ना तो अभी थोड़ा तो सा और समझते हैं कि जो कूलम है इसकी प्रॉब्लम है मैं पॉइंट को लिखने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखता हूँ चार्ज इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कैसे है मेन हमारा टॉपिक आता है, है? फिजिकल क्वांटिटी कैसे क्योंकि बेटा ये मिलकर बना होता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज ओवर टाइम बेटा अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा करंट इनटू टाइम कर दूंगा करंट इनटू टाइम कर दूंगा तो हमें पता है जो करंट का जो आ, उसको कैसे सिमुलाइज करते हैं उसको एक सा सिंपलाइज करते हैं और टाइम को कैसे करते हैं टी के साथ टी बन गया एटी तो तो हमें हम कह सकते हैं डाइमेंशनल फार्मूला ठीक है डाइमेंशनल फार्मूला है इसका चार्ज का तो बड़ा ही हमें ये याद रखना है ठीक है अब जो एक पॉइंट बेटा और है वो ये है यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम बट ये बेटा प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है प्रैक्टिकल यूनिट मतलब जिसे हम यूज कर सकते हैं क्यों ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है बेटा ये इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है

बेटा हमारे पास नैनो टेन पर रखना जी, कुलम वाला पार्ट है, है आपको जो आते हैं, तर, वो हमेशा कुलम में ही आते हैं, हैं सभी को? Okay. तो हमें, हमने क्या पढ़ा है अब तक हमने पढ़ा कि जो चार्जेस है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है तो उसका आंसर ये है कि अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए उसके ऊपर अगर जिस जो ट्रांसफर कर रहा है बेटा

कोई भी जो एटम है वो हमेशा क्या रहता है न्यूट्रल रहता है अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन जाए या आए वो अनस्टेबल हो हो जाता है यानी कि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू तो वो क्या करता है खुद को दोबारा न्यूट्रलाइज करने के लिए वो चीजों से अट्रैक्ट या रिपेल करता है अगर उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा ताकि उसका पीछा छूटे और उसके पास अगर कमी है तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा समझ आई मेरी बात सभी को यहां तक क्लियर है बताइए बेटा यस वेरी गुड ओके अब पहले बेटा हम पढ़ते हैं सोडियम एटम के बारे में अब देखिए जो सोडियम एटम है उसके पास 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 11 ही होने वाले हैं और नेट चार्ज कितना आएगा जीरो इसका मतलब है जो बॉडी क्या है वो न्यूट्रल न्यूट्रल है देखिए

मैं क्या करता हूँ क्लोरीन से को बाहर निकाल देता हूं। अगर बड़ा एक बड़ा बाहर निकालूंगा निकाल उसके चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्लियर होगा जितना मैंने पढ़ाया था चार्जेस कितने तरह के होते हैं चार्जेस बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमें यह पता है कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो उसके पास आ जाती है ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके यहां क्या आ जाएगा बेटा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके ये बेटा हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है ठीक है अब मतलब टाइप्स ऑफ चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज राइट अब समझिएगा बेटा यहाँ पर चीज को ध्यान समझिएगा अगर मान लीजिए हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं ए एंड बी ठीक है बेटा ए से बड़ा इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए बी के पास अब मुझे बताइए किसका बेटा वेट ज्यादा होगा एक्टिव चार्ज बॉडी का बेटा नहीं बेटा नेगेटिव चार्ज बॉडी हाँ क्योंकि तो बी के ऊपर एक्स आ गया तो नेगेटिव हो गया इसके ऊपर कम आ गया पॉजिटिव हो गया एक्सेस किसकी तरफ हुआ नेगेटिव चार्ज की तरफ ना बी बॉडी की तरफ उसके पास एक्सेस तो नेगेटिव चार्ज आ गया डेफिशिएंसी हो गई एक ही तरफ ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो मास है वो नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एज कंपेयर टू मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज आइडेंटिकल बॉडीज ध्यान रखना ये आइडेंटिकल बॉडीज के लिए बड़ा पढ़ा रहा हूं मैं समझ आ गया सभी को आगे बढ़ते हैं अब देखिए बेटा हमने क्या किया है कि हमारे पास बेटा एक सिल्क का कपड़ा है और बेटा हमारे पास एक प्लास्टिक की रॉड है समझिएगा बेटा समझाता हूँ मैं लिख देता हूँ उसको प्रॉपर तरीके से अगर बड़ा मैं किसी ग्लास को बड़ा सिल्क के साथ रब करता हूं सिल्क और मान लेते हैं हमें प्लास्टिक रॉड अगर बेटा मैं ग्लास रॉड को बेटा रब कर रहा हूं के साथ तो मैं देखूंगा बेटा जो सिल्क होता है प्लास्टिक रॉड की तो उसका चार्ज आ जाएगा अभी अभी कैसे आई ये बताना था मुझे हाँ। और बेटा हमारे फर्क कौन सा चार्ज आ जाएगा जिटिव ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं देखिए वन टू बॉडीज आर रब्ड टूगेदर दिक्शन बिटवीन कॉजेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी अनदर ठीक है इसका रिजल्ट क्या होगा जब हम दो बॉडी रब करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट ये आता है एंड एज ए रिजल्ट बॉडीज बिकम चार्ज ठीक अब क्वेश्चन आता है किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव ये बड़ा डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड्स ऑन साइज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस ठीक है जिसका बेटा साइज क्या होगा जिसका बेटा साइज क्या होगा कम मान लीजिए बेटा आपके पास जो है आ, सिल्क का एटम है है उसका साइज साइज कम कम होता टू ग्लास रॉड तो क्या होगा सिल्क का कम होने से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा हाई रहेगी जिसके कारण बेटा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा पर उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो क्या करेगा ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा समझ आई मेरी बात सभी को उसी तरह बात करते हैं प्लास्टिक ना तो है, है है मतलब वो, वो बाल से वो फर. तो क्या होता है बेटा अब क्या करेगा प्लास्टिक रॉड का साइज कम होने के कारण वो क्या करेगा दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके फर के उसको अपने तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा ये बात बेटा सबको समझ आ गई है जल्दी बताइए राहुल जी क्लियर हो गया आपको मुझे ये बताना था कि साइज के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है एटम का साइज डन ओके आगे बढ़ते हैं बेटा ओके okay. अब मुझे बताइए जैसे यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल यहाँ पर लिखी है देखिए ग्लास रॉड को मैंने रब किया सिल्क साथ तो ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा ज्यादा गया पॉजिटिव मान लीजिए अगर मेरे पास दो ग्लास रॉड तो हो तो उनके बीच में क्या होगी अट्रैक्शन या रिपल्शन बताइए अट्रैक्शन या रिपल्शन हम्म बोलिए अट्रैक्शन या रिपल्शन इनके बीच में होगी रिपल्शन ओके और अगर मैं ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास ले जाऊं तो क्या आएगा अट्रैक्शन या रिपल्शन अट्रैक्शन समझ आ गई सभी को मेरी बात क्लियर हो गई है ओके यहां से बड़ा ये भी चीज पता लगती है कि अगर दो चार्जिस सिमिलर हैं तो बड़ा आपस में क्या करेंगे रिपेल अगर डिसिमिलर हैं या अनलाइक चार्जेस हैं बेटा वो क्या करेंगे अट्रैक्ट ओके okay? तो अभी आपको यहां पर बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं ध्यान रखिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं सारे काम छोड़ के इसको सुनिएगा समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझिए बेटा इस बात को हमारे पास बेटा क्या है मान लीजिए एक बॉडी है जैसे मानते हैं यहां पर एक बॉडी है ए बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव ठीक है ये मान लीजिए कंडक्टर है ये भी लिख लीजिए कॉपी पे कंडक्टर्स में जो चार्जेस होते हैं बेटा वो हमेशा सरफेस पे होते हैं मैं लिख देता हूं आप लिख लीजिए बड़ा सिंपल सा हो जाएगा कि इन ए कंडक्टर चार्जेस ऑलवेज एट द सर्फेस क्यों ताकि उनकी जो हमेशा मिनिमम एनर्जी रहे आपस में जो एनर्जी बेटा क्या रहे मिनिमम रहे ठीक है तो ध्यान के इसको वो बी वाला है ये बेटा न्यूट्रल है ये चार्ज था और ये बेटा क्या था न्यूट्रल था समझे मेरी बात अब बेटा क्या हो रहा है कि ये जो जो हमारे पास ए है वो क्या करेगा ड्यू टू इंडक्शन इनके में क्या होगी इंडक्शन अब इंडक्शन क्या होता है देखिए इंडक्शन क्या होता है इंडक्शन का मतलब है है बिना टच किए ये क्या करेगा? Positive क्या करेगा करेगा पॉजिटिव इसके जितने भी नेगेटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जितने बेटा पॉजिटिव है उसको क्या करेगा रिपेल कर देगा ठीक है तो बेटा पास में कौन है इसके बेटा पास में जो है वो है नेगेटिव ने वाला ने तो दोनों बेटा क्या होगी अट्रैक्शन यानी कि अगर मैं किसी एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास लेके जाऊंगा तो हमेशा अट्रैक्शन होगी मतलब अब पर की दो कंडीशंस आ गई हैं पहली कंडीशन क्या है एक तो आपने पढ़ा है अनलाइक चार्जेस वाली बात करी है दूसरा क्या है इफ वन बॉडी इज चार्ज एंडर वन इज न्यूट्रल देखिए बेटा चार्ज की हमारे पास कितनी कंडीशन आ गई हैं? दो कंडीशन आ गई हैं कौन कौन सी यहां तो अनलाइक होगा या क्या होगा या बेटा क्या होगा जो आ, दूसरी कंडीशन क्या होगी एक न्यूट्रल होगी तो दूसरी क्या होगी चार्ज होगी जैसे यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल दी हुई देखो ये एग्जाम्पल ये बात सबको चमकी है बेटा पर सिर्फ एक कंडीशन होती है रिपल्शन की सिर्फ एक कंडीशन होती है बेटा रिपल्शन की वो कंडीशन बेटा क्या है रिपल्शन की बेटा दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए लाइक चार्जेस ये बात सबको समझ आ गई है ओके okay. तो अब इसीलिए हम क्या बोलते हैं रिपल्शन इज ए ट्रू टेस्ट अब जो रिजल्ट में बताने जा रहा हूं वो क्या है वो ये है रिपल्शन इज ए ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी रिपल्शन ए ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी ये बात सबको समझ आ गई मैं थोड़ा सा तो इसको और क्लियर लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो यहां पर लिख देते हैं ऊपर करके लिख देते हैं चार्ज बॉडी ऐसा क्यों क्योंकि बेटा हमें पता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है ट्रू टेस्ट का मतलब मान लीजिए अगर मुझे पता करना है किसी के क्या दो बॉडी चार्ज हैं तो कैसे पता लगेगा कि अगर दो बॉडीज बेटा चार्ज हैं एक सेकंड बेटा में आया एक सेकंड एक सेकंड के लिए मैं दो मिनट पॉज कर रहा हूं आई थिंक नेटवर्क फ्लाइश हुआ रहा बस एक सेकंड अभी है, तो टेस्ट चार्ज अगर पता करना है, दो बॉडी चार्ज, तो तो चार्ज है तो अगर कोई बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो आप हो हो कंफ्यूज दूसरी बॉडी है वो न्यूट्रल हो सकती है या फिर अनलाइक चार्ज हो सकता है कंफ्यूजन मतलब हो सकती है पर रिपल्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दोनों बॉडीज के ऊपर ऑपरेट चार्ज है अगर दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे एक बड़ी चलो चार्ज है वो तो कंफर्म किया पर दूसरी बॉडी हो सकता है न्यूट्रल भी हो हो सकता है ना सबको समझ आई क्लियर हुई बात जल्दी बताइए बेटा हाँ अब बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन भी देखो उसी तरह क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो चार्ज बॉडी है ए और बी दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं अट्रैक्ट कर रही हैं अब क्या हुआ है बी और सी आपस में रिपेल कर रहे हैं तो मुझे बताइए ए और सी के बीच में अट्रैक्शन होगी रिपल्शन होगी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है वो इनसफिशियंट है तो बेटा जी इंफॉर्मेशन तो इनसफिशियंट नहीं है इफेक्ट तो पड़ेगा ही अगर दो बॉडीज चार्ज है तो इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गई अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक है ऐसा है हम मान लेते हैं हमारे पास जो ए बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है अट्रैक्ट हो रही है B body इसका, मतलब हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो सकती है हो हो सकता है वो positive charge भी हो सकती है वो भी सकती पर हमें पता है बी और सी आपस में रिपेल कर रहे हैं रिपल्शन का मतलब है श्योर दोनों बॉडीज चार्ज है श्योर है दोनों बॉडीज चार्ज है मतलब हम फिर क्या आएगा जो ये वाला पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन अब इसका कोई मतलब नहीं रहा

इस तरह बेटा हम किसी बॉडी के बारे में पता लगा सकते हैं तो मुझे बताइए मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? एक बॉडी तो चार्ज है ना हो सकता है दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो या उसके ऊपर चार्जेस हो ठीक है तो जेई के क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन पेपर में देखा है काफी क्वेश्चन के आते हैं बेसिक क्वेश्चन शुरू किए जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा आगे हम देखते हैं ओके इलेक्टिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है ये भी बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है पहले क्या थी कि दो चार्जेस दो तरह के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरा आता है एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं एडिक्टिविटी बेटा सबसे पहले आप देखिए चार्ज बेटा स्केलर क्वांटिटी है ध्यान रखिएगा चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं लिख देता हूं यहां पर चार्ज चार्ज इज ए स्केलर Quantity. अगर बेटा कोई, कोई अगर कोई भी बॉडी बड़ा स्केलर कोई क्वांटिटी अगर स्केलर है बॉडी कोई uh, कोई क्वांटिटी अगर स्केलर है तो इसका मतलब है उसको बेटा हमेशा हमें ऐड करना है ऐड कैसे करेंगे बाय बाई कोई भी किसी बे हर स्केलर के लिए बेटा हर स्केलर क्वांटिटी uh, के लिए चीज अप्लाई होती है के लिए ठीक है समझ आ गया सभी को पर विद प्रॉपर साइन ठीक है जैसे अभी मैं कोई एग्जांपल देता हूं देखिए यहां पर बेटा आपके पास बॉडी है क्यों वन क्यों टू क्यों थ्री क्यों फोर अब बेटा मुझे इनको क्या करना है हमेशा ऐड करना है चार्ज स्केलर क्वांटिटी ये हमेशा ऐड ही होंगी ठीक है पर मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है सिस्टम में बेटा हमारे पास चार्जेस दिए हैं माइनस वन टू माइनस एट फोर तो अब ऐड करना है तो हमें ऐड कैसे करना है इनके साइंस को इनके साइन के साथ जैसे माइनस वन सी प्लस माइनस एट सी फिर टू प्लस फोर ये देखिए जिस फॉर्म में तो आपके पास चार्जेस कितने आ जाएंगे बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा माइनस आएगा ध्यान रखना करना एड ही है बट विद प्रॉपर साइन क्लियर हो गया सभी को आगे बढ़े बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है समझिए कंजर्व चार्ज क्या होता है ये तो सभी को पता होगा डिफाइन सबने पढ़ रखी होगी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड इस साल बड़ा चीज हम और कर देते हैं प्रोसेस को हम ऑर्डर कर देते हैं टोटल चार्ज स कॉन्स्टेंट वट एवर चेंजेस टेक प्लेस इन द सिस्टम तो हम क्या सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम लेंगे सिस्टम का आइसोलेट सिस्टम लेंगे आइसोलेटेड सिस्टम सिस्टम का मतलब है जिसके ऊपर बाहर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ये देखिए हमारे पास एक है और हमारे पास है हमने क्या किया इस को और का टोटल चार्ज निकाला टोटल तो कितना आएगा जीरो प्लस माइनस फोर सी बेटा कितना तो फोर सी। अब मैंने क्या किया मान लेते हैं इसके ऊपर टू के ऊपर कितना आ माइनस टू के दोनों प्लस करें तो आंसर कितना आएगा अगेन 4C. बड़ा क्या किया यहां पर चार्ज चार्ज कितना है, 1C, और चार्ज कितना है और आ गया 3C. तो टोटल चार्ज कितना आ हमेशा सेम रहेगा क्योंकि हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय और बना नहीं सकते चेंजेस कुछ किसी भी तरह का आए सिर्फ और क्या होंगे ट्रांसफरेबल होंगे चार्जेस आर ट्रांसफरेबल ऑनली बेटा चार्जेस आर ट्रांसफरेबल ऑनली प्रभाव नहीं पड़ता है चार्ज अगर रेस्ट में है या किसी मोशन में है एक्सलेशन में कैसे भी है घटेगा वो एज इट इज रहेगा मान लेते हैं हमारे पास एक आइसोलेट बॉडी है ये वाली और इसके ऊपर चार्ज है माइनस सेवन सी अब क्या किया हमने इसको भगाया विद की स्पीड क्या होगा इसका मास तो बदल जाएगा पर इसका जो चार्ज है वो एग्जैक्टली exactly अभी भी माइनस सेवन सी ही रहेगा तो हम ये भी कह सकते हैं चार्ज इज़ इनवेरियंट चार्ज इज रेलेटिवली इनवेरियंट मतलब इसके ऊपर स्पीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसको लिख देता हूं इसको ऊपर लिख देता हूं एक्स्ट्रा में थोड़ा सा चार्ज इज Invariant. मास बड़ा बदल जाता है अगर मास को हम स्पीड से मास बदल जाता है पर चार्जेस के ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मतलब नो इफेक्ट ऑफ स्पीड नो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन चार्ज राइट समझ आ गया सभी को ये भी बेटा प्रॉपर्टी बना सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम कैसे समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम ऐसे समझते हैं मान लीजिए मैंने आपको सौ रुपए दिया और वो थे 5 के। तो बताइए नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए पांच रुपए का सिक्का था फाइव रुपी कॉइन बताइए बेटा आपके पास कितने कॉइन्स हों कि आपके पास बेटा हंड्रेड रुपीज बन जाए 20 कॉइंस हो राइट उसी तरह मान लीजिए मेरे पास चार्ज है 1 1.6 10 रे टू -19 कूलम तो मुझे बताइए इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो कितने इलेक्ट्रॉन है कितने चार्ज हम ट्रांसफर करें कि इसकी वैल्यू 1.6 10 रे टू -19 कूलम रहे मैं समझाता हूँ कैसे ऐसे इसका फार्मूला होता है q ne क्या, क्या फार्मूला होता है q ne ठीक है पर जो ई e की वैल्यू होती है into 10 -19 होती है। बॉडी के ऊपर बेटा ऑलरेडी जो चार्ज है कितना दिया है 1.6 तो मुझे बताइए की वैल्यू कितनी आएगी तो आप देखोगे जो एन की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा इट विल बी ए वन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है यस yes. चार्जेस बेटा फंडामेंटल फंडामेंटल बेटा, बेटा कौन किसको माना जाता है इलेक्ट्रॉन को माना जाता है इसीलिए बेटा हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होते हैं ये बात तो सब कुछ चमकी है बेटा जो मैंने अभी समझाई ये बात बताइए फटाफट हाँ। अब मुझे बताइए इसके ऊपर कितना चार्ज आया होगा फटाफट आंसर दीजिए एक बॉडी के ऊपर प्लस पर रहा है। तो इसमें टोटल चार्ज कितना हुआ होगा। यही है, ये वाला। भाई ये है और ये है ए? तो की पास कितनी है पर है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की तो फिक्स ही रहने वाली है ये तो कट गया तो कितना आपके पास दो आ गए है ना आपके पास कितनी वैल्यू आ गई दो ठीक है

इसका मतलब है इसके ऊपर प्लस फोर ही चार्ज आ गया और इसके ऊपर माइनस फोर ही चार्ज आ गया। मतलब अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा दोनों का तो जो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूडा सेम रहेगा पर फर्क किस चीज का पड़ेगा उसके साइंस का तो ध्यान रखना अगर एक बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसकी उतनी गेन करेगी ठीक है तो एक टाइम पे दोनों चीजें होती है एक टाइम पे पॉजिटिव होगी एक टाइम पे दूसरी बॉडी नेगेटिव होगी जैसे आप लोग पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज के बारे में पढ़ा होगा एक टाइम पे दो चीजों का होना अलग अलग जैसे रेस्ट और मोशन और रिलेटिव टर्म्स कभी रेस्ट और मोशन अलग अलग नहीं होते एक टाइम पे दो चीजें होती हैं डिपेंडेंट ऑब्जर्वर उसी तरह इसके ऊपर भी है बेटा कि एक टाइम पे बॉडी क्या होगी दोनों पार्ट में कन्वर्ट होगी दो बॉडीज होंगी उनके ऊपर अलग अलग चार्ज आएगा दोनों का मैग्नेट क्या रहेगा सेम रहेगा समझिए मान लो कितना चार्ज किया ट्रांसफर किया फोर की वैल्यू कितनी है तो इतना बड़ा उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा ठीक है फ्रैक्शन तो में अलाउड नहीं है फ्रैक्शन नहीं काम आएंगे समझ आ गया बेटा सभी को क्लियर है डन है एंड क्या है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है प्लस में भी हो माइनस में भी हो जीरो बट नॉट फ्रैक्शन नॉट फ्रैक्शन अलाउड ओके आपके पास एक क्वेश्चन है कंडक्टर अ पॉजिटिव चार्ज एक कंडक्टर के पास बेटा पॉजिटिव चार्ज है ओके okay. कितना चार्ज है इतना चार्ज दिया हुआ आपने बेटा क्या निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है तो बेटा ये आपका हो गया है होमवर्क अभी बेटा हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं फॉर्मूला बता देता हूं फॉर्मुला लगे अब इसको सॉल्व कर लेना जो से आएगा मुझे बता देना आप लोग ठीक है ये फॉर्मूला होगा हमारे पास ओके okay. अब बेटा हमारे पास आता है मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर हम बेटा चार्जेस कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सबसे पहले आता है कंडक्शन मान लीजिए बेटा आपके पास स्फेरिकल स्फेरिकल एक मेटेलिक स्फेयर है इसके ऊपर बेटा हमने क्या डाल दिया एक प्लास्टिक रॉड को डाल दिया मैंने टच करा दिया उसको टच कराने से क्या हुआ चार्जेस ट्रांसफर हो गए मेटल स्फेयर में और ये कब तक ट्रांसफर होंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता

बलून ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों ट्रांसफर किया क्योंकि उसका साइज जो था प्लास्टिक और बुलन का एटम थोड़ा तो तो बड़ा है और तो बेलून का एटम छोटा है तो क्या होगा बलून क्या करेगा अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा देखिए ऐसे ले करके

हमने बड़ा इंडक्शन के बारे में भी पढ़ा था जब मैंने कहा था ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज हमने क्या देखा था अगर मैं किसी एक एक किसी एक न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लेके जाता हूं तो वो क्या करता है बाय इंडक्शन चार्जिस को अलग थलग कर देता है देखिए ऐसे समझिए देखिए मान लीजिए आपके पास एक बॉडी ए है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी है जिसके ऊपर ये न्यूट्रल बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है चार्ज बॉडी बेटा क्या करेगी बाय इंडक्शन बाय इंडक्शन क्या करती है बेटा बी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगी अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव को बेटा क्या करते है? रिपेल कर देगी अब क्या होगा इन दोनों के बीच बेटा क्या आएगी अट्रैक्शन और जो नेगेटिव वाले बेटा चार्ज है इसके ऊपर हम लोग बोलते हैं बाउंड बेटा कहीं मूव नहीं कर सकते पर हमें क्या क्या करना होगा अगर हम अर्थिंग क्योंकि हमें चार्ज करना है ना हमें बॉडी चार्ज को चार्ज करना, हमें को चार्ज करना है, तो हम क्या कर लगा देंगे यहां पर हम अर्थिंग लगा देंगे अर्थिंग लगा दी अर्थिंग क्या करेगी बेटा जितने भी आ, क्या होगा अर्थ से बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करेंगे ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं बेटा इनको क्या करेंगे ये लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे अगर अब आप सारे सिस्टम को अगर हटाते हो मतलब जो बॉडी ए है उसको दूर ले जाओगे अर्थिंग को निकाल दोगे तो आप देखोगे जो बॉडी बी है कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी यानी बी बॉडी बॉडी बी बेटा क्या हो गई है चार्ज हो गई बी बॉडी बेटा क्या हो गई है चार्ज हो गई आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा क्लियर हो गया सभी को कैसे इंडक्शन के थ्रू हम चार्जेस चार्ज करते हैं किसी दूसरी बॉडी को है ना ओके okay. अब बेटा हमारे पास मटेरियल कितने तरह के होते हैं तो हमें पता है पहला आता है कंडक्टर कंडक्टर बेटा क्या करता है विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए दैट इज कॉल्ड कंडक्टर ऐसा क्यों तो बेटा पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जांपल्स हो गया मेटल और मेटल्स एंड अर्थ अर्थिंग में बेटा यही तो हमने किया था अभी पिछले टॉपिक टॉपिक में कि एक बॉडी जब बी बॉडी बी बॉडी जब पॉजिटिवली चार्ज हुई तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और उन्होंने बेटा उस बॉडी को न्यूट्रलाइज कर दिया इंसुलेटर बेटर क्या होते हैं जिसके पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं मतलब ये बैड कंडक्टर्स हाँ है इलेक्ट्रिसिटी के ठीक है प्लास्टिक हो गया है ना रबड़ हो गया सेमी कंडक्टर बेटा क्या होते हैं सेमी कंडक्टर बेटा होते हैं जो कभी कभी कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे और कभी कभी बेटा ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा घटाते हैं तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और बेटा बहुत सारी कंडीशंस हैं

जमीन में चले जाएंगे जिससे हमारे जो हैं हैं वो सब सेफ रहते हैं। यही फिनोमना बेटा हम बिल्डिंग्स में भी अप्लाई करते हैं बिल्डिंग्स अगर देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पहले आग लग जाया करती थी बिजली गिरने से पर अभी क्या हुआ है अब वैसा नहीं होता क्योंकि हमने कर दिया है अर्थिंग बिल्डिंग को हमने क्या अर्थिंग ऊपर हमने क्या लगा देते हैं कंडक्टर लगा देते हैं और उसको जमीन में उसकी वायर को जमीन के बहुत नीचे तक ले जाते हैं जिससे बड़ा क्या होता है जितने भी जब बिजली कड़कती है तो वो गिरती है किसके ऊपर उस कंडक्टर के ऊपर और उसको बड़ा सारा कहा चला जाता है जमीन में चला जाता है तो इस वड़ा बोलते हैं हम लोग ग्राउंडिंग या अर्थिंग ठीक है देखिए अगर किसी चार्ज बॉडी को मैं अर्थिंग करता हूं तो क्या होगा तो क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर हो जाएंगे अर्थ में ध्यान रखिए अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सारा जमीन में चला जाएगा अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जमीन से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बॉडी के पास आ जाएंगे पर मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की होगी समझ आई सभी को क्लियर हो गया ओके। इसे बोलते हैं अर्थिंग आगे देखिए नीड ऑफ अर्थिंग बेटा मैंने बता दिया है ना सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से बेटा हम इसको यूज किया करते हैं अगर एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे बेटा उनको एक एक्स्ट्रा पाथ मिल जाता है ट्रांसफर होने के लिए उस हम लोग क्या बोलते हैं अर्थिंग तो बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक और है जिसमें इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप बेटा एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप बेटा एक डिवाइस है जो कि बेटा क्या करता है चार्जेस की चार्जेस को आ, कौन सा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आता है वो बताता है मैं बता देता हूँ आपको कैसे देखिए चार्ज बॉडी इज प्रॉट नियर और टच विथ अ मेटल नॉब ठीक है इसके ऊपर जब टच कराएंगे इसके ऊपर जब टच कराएंगे तो क्या होगा चार्ज ट्रेवल्स टू द लीवस ये बड़े गोल्ड की लीव होते यहां पर ट्रांसफर होंगे यहां पर देखे यहां पर आ जाएंगे चार्जेस लीव थ्रू द रॉड सिंस बोथ द लीवस हैव सेम चार्ज दे रिपेल दोनों बड़ा क्या कर जाएंगे अगर सेम चार्ज होगा दो क्या कर जाएंगे रिपेल कर जाएंगे तो कैसे से पता लगेगा द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इन एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब ये इतना बेटा बेटा कितना मुड़ेगी ये बेटा कितना मुड़ेगी बेटा वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर होगा अगर ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा तो ज्यादा मुड़ना शुरू कर देंगे समझ आए सभी को ठीक है अब मैं बताता हूं मतलब इसका जो अगर कोई पूछे भी किस लिए यूज किया जाता है तो इसका यूज किया जाता है यूज टू एग्जाम में आंसर डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी समझ आ गया सभी को किस डि यूज कर जाता है टू तो डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी सबको क्लियर हो गया ओके क्लियर हो गया सभी को बताइए इलेक्ट्रोस्कोप एलेक्ट, का पता चला इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप क्लियर है ओके, okay. so, बेटा हम मिलते हैं अगली कक्षा में आपको बेटा ये सारे कंसर्ट मैंने समझा दिए हैं अगर आपका कोई डाउट है तो बेटा आप मुझे पूछ सकते हैं बताइए और ये बेटा होमवर्क भी है। हाँ बेटा, वही तो रिपल्शन हुआ तो ऑफ कोर्स चार्जेस क्या होंगे सिमिलर चार्जेस होंगे बॉडी क्या बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है वो डिटेक्ट करेगा अगर ज्यादा फोल्ड हो गया यानी ज्यादा चार्ज होगा अगर कम फोल्ड हो गया थोड़ा चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया ठीक है चलिए किसी बच्चे कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए बताइए बेटा हाँ बेटा चालीस को आइडेंटिफाई करता है बेटा चलिए गुड मॉर्निंग एवरी वन आपको पढ़ा के मुझे अच्छा लगा है हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं ये सब कुछ क्लियर हो गया जितना मैंने पढ़ाया बताइए आप लोग अब और टेस्ट कैसा हुआ ये बताइए मुझे पहले टेस्ट कैसा रहा सभी का ओके वेरी गुड चलिए फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं टेक केयर एवरी वन बाय एंजॉय योर डे ओहो वेरी बैड तानिश जी चलिए अगला टेस्ट दे दीजिएगा बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं है अगले टेस्ट के लिए तैयारी करिए अभी अगला टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए बेटा पहले पहले बार बच्चों ठीक है वेरी गैड ओके 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 कोई बात नहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं है वो आप बात करिएगा इस टॉपिक ठीक है चलिए बाय सेम टू बेटा